क्योंकि सर वो कौन याद रखेगा है, आज हम इसका वायर स्विच वायर एक्सीलेटर वगैरह बताने वाले हैं, क्योंकि किसान का ही परेशान हो रही लगाने में। एक्सीलेटर एक्सीलेटर पहले इसका देखो, ये दो मतलब आते हैं छोटे छोटे, इनको खोलने के बाद में ये लगाना है बड़ा वाला, साथ में आता है इसका, ठीक है। उसके बाद में मटका है वो तो अपने से लगा ही लेगा किसान, कोई भी हो, पहिए भी अपने आप से लगा लेगा। उसके बाद में हैंडल भी लगा लेगा। अब मेन बात आती है इसका क्लिच का, एक क्लिच है अपना नैनो क्लिच का है, ये अपना क्लिच वाला वायर आया है यहाँ से सीधा यहाँ से ऊपर से आते हुए ऐसे इसमें लगाना है अपने को। इसको ऐसे करना इसको यहाँ से ऐसे दबाकर ऐसे इसको लगाने के बाद थोड़ा इसको ढीला करना है, ये बाहर वाले छेद में लगेगा, बाहर वाले में। अब आता है अपना रिवर्स गियर जो कि इसका इनपुट होगा, जो कि इस पर लगा है अपना रिवर्स गियर। उसके बाद में ये यहाँ से सीधा आएगा, जो कि हमारा इसके नीचे जस्ट इसके नीचे इसमें फंसाना है पहले, इसमें ऐसे फंसा लेना है इसमें, उसके बाद में खींचना है इसको तागे से, फंसाने के बाद ऐसे फंसाना है बस। ये अपना हो गया रिवर्स गियर कंप्लीट। अब बारी आती है हमारे गियर डालने वाली, अब गियर की डंडी कैसे लगाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका ये टेढ़ापन है ना, टेढ़ापन वाला वो नीचे की साइड आना है, इधर की साइड ऐसे लगेगा, ये टेढ़ा है कम साइड का टेढ़ा है वो नीचे जाएगा ऐसे करके इसमें लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर लगा ही लोगे आप एक्सीलेटर का, जो कि हमारा यहाँ से लगाना पहले, इसके बाद में यहाँ पर इसको खोल लेना है, इनपुट करना है इसको। उसके बाद में ये आपको दिख ही रहा होगा ये पेचकस, इसको ढीला करने के बाद में टाइट करना है बस, बाकी और कुछ नहीं करना है। सेल्फ वाला इसको यहाँ से आप कसी सकते हो, 10 नंबर का एक साइड 10 का एक साइड 8 का गोटी लगेगा इसमें की वायरिंग। अब आया अपना वायरिंग का नंबर, ये अपना रेड वाला वायर है जो कि अपना प्लस में लगेगा सेल्फ की डिबिया में नीचे की ओर, ठीक है। उसके बाद में अपना ये बचता है पीरा वाला वायर, पीरा वाला वायर आप कहीं भी लगा सकते हो, ये अर्थिंग का काम करेगा, चाहे यहाँ लगा दो यहाँ लगा दो किधर भी लगा दो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपना आता है ये काला वाला वायर जो कि अपना इंजन से निकला है एक बार काले का वाला, तो काले वाला वायर काले में लगेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है अपना ये चटकनी वाला, वो तो सब सेम ही है, क्या काला वाला ये नीले में लगेगा, बाकी अपनी वायरिंग हो गई अब कंप्लीट। हेड लैंप का काम जो कि पहले इसमें ऐसे करके इसमें लगाना है,